हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा दोपहर हो गया है और दिवाली वाली की सफाई चल रही है, तो इस वजह से लेट हो गया है। तो कल धनतेरस है, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेना है जो कि पूजा होगा उसका। और मैं दिखाती हूँ आपको घर में क्या क्या कर रही है कांछा दीदी। तो देखिए, कांछा दीदी यहाँ अपना रूम साफ़ किए बस, और सारा रूम ऐसे ही पड़ा है जो कि कल साफ़ होगा। ये देखिए, पर्दे के पीछे चीख रही है क्योंकि ये पूरा भूसा भर चुकी है। दिखाओ। यार जाके नहा लो थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा चेहरा दिखा दो, दिखा दो थोड़ा सा चेहरा। देखिए दोस्तों, देखिए फाइनली दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, घर से निकलने जा रहे हैं। बाहर काफी धूप है आज, पर क्या करें, दिवाली का टाइम है तो सामान भी लेना ज़रूरी है जो ज़रूरतें पड़ेंगी दिवाली के टाइम। तो यार फिर मेरी दीदी आ गई है स्कूटी लेके, चश्मा वश्मा लगा के। A few moments later. हम आए हैं यहाँ पे खरीदारी करने। हम लोग आए हैं माइक्रोवेव का ओवन। तो देखिए भैया हम लोग को बता रहे हैं कि कैसे ये वर्क होगा। तो ये सब मॉडल रखे हैं, हम लोग को जो इसमें से पसंद आएगा हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी। ये रहा हम लोग का ओवन, देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। यही हम लोग खरीदे हैं, ये हम लोग की ओवन है और ये हम लोग के घर स्टॉक होगी। ये लड़की हमेशा जगह देख देख के बैठ जा रही है सारी। यहाँ पे इतना महंगा सामान लेने के बदले में मुझे मिला इतना छोटा सा गिफ्ट, जो कि एक गिफ्ट है, चॉपर, मिनी चॉपर। दोस्तों मन कर रहा है एक एक चीज़ सारा उठा के लेके चले जाएं यहाँ से। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मेरे यूज़ में हैं। यहाँ से हम लोग का ओवन उठ के चला गया है भाई, अब हम लोग जा रहे हैं लेकर उसको घर। फाइनली दोस्तों हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है, हम लोग अब जा रहे हैं घर। आओ दीदी सब लोग चलो घर। यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इतना बड़ा चीज़ हम लोग ले के कैसे जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे देवी हनुमान जी का मंदिर है इस दुकान के पास। ये काफ़ी बड़ा कंपनी है दोस्तों। आप खाने को चाहिए। चलो यहाँ से पहले लेके चलो, फिर देखते हैं क्या खाने को मिलता है। फाइनली हम लोग का ओवन एडजस्ट हो गया है, दीदी लेके जा रही है आराम से। अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ रुके हैं चाट और गोलगप्पे खाने के लिए। तो हम लोग अभी चाट खा रहे हैं, गोलगप्पे हम लोग खा चुके हैं। तो दीदी और भैया लोग के लिए पैक हो रहा है जो कि हम लोग घर ले जाएंगे अब। नहीं दोस्तों, हमने इतना सारा सामान ले लिया घर के लिए, तो अब हम लोग चलते हैं घर। हम घर आ गए टाइगर। यहाँ पे मेरा भैया लतर लगा रहा है झालर। बोलो भैया। यहाँ पे कुछ मेरे चेला चपाटी हैं, ये सब मेरे भाई हैं। यहाँ क्या लग रहा है झालर लतर? ये सब मेरे भाई हैं, मेरे छोटे चाचा के अंकल के लड़के हैं, और ये मेरे बड़े पापा का लड़का है, और वो मेरे पापा का लड़का है। देखिए यहाँ पे एक लड़की आ गई है पागल खाने से लग रहा है। इसको इतनी ठंडी लग रही है कि मोजे भी पहनी है, तो इनर भी पहनी है, और दुपट्टा भी ओढ़ी है। भैया कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। चलो हाँ, क्या देख सकते हैं, जैसे कि पहले से ही दुश्मनी है कुत्ते और बिल्ले की, और यहाँ पे टाइगर मेरा उस बिल्ले को इधर आ जाने की मत। ये क्या हो रहा है यहाँ, कुछ इसको भगाओ दो। गुरु जाओ, मैं इसको पकड़ी हूँ ना, तुम लेकर भगाओ। अच्छा दिखा दो। देखिए दोस्तों मेरा घर पे झालर लग गया है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग का ओवन आया है ना, वही हम लोग जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने। तो यहाँ पे आकांक्षा दीदी है, बैठ गई है पहले। अच्छे से करो अनबॉक्सिंग, ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ से काटो। ये अनबॉक्सिंग, ये बेचारी नहीं गई थी उस दुकान पे, तो हम लोग इसी से करा दिए। सोचे थोड़ा कि इस पे भी दया खा जाए हम लोग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं,
अनबॉक्सिंग करो मेरा, अच्छे से वीडियो दिखाना। इसको भैया आओ निकलवाओ। तो ये देखिए पूरा बुक दे दिया, इतना बुक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे। काम होगा पोपट नहीं हो रहा है, टूट जा रहा है भाई फोम का। ओ तेरी ऐसी निकालना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा अनबॉक्सिंग हो गया, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। इसको निकालो, कैसे दोस्तों देखिए ये हम लोग का है टच वाला स्मार्ट ओवन है, यहाँ से हम टच करके सारा चीज करेंगे। इधर से हम लोग टच करके सब कुछ कर लेंगे। जब हम इसको मुझे बजाने के लिए, तो ये बजाने में बहुत मजा आता है, तुम्हारा कान भी बजाने में मजा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, आप जानते होंगे ये जो होता है सबके घर पे, इसको करने में बहुत मजा आता है, इसको चुटपुटिया बजाने में। ये खाली टाइम बैठ के हम लोग बजाते रहते हैं। यहाँ पे आकांक्षा दीदी मेरी तुलसी माँ का पूजा कर रही है। ये दिखा दो थोड़ा कितना उजाला हो गया है, बहुत उजाला हो गया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने तुलसी जी का पूजा किया और हमारे घर आज माइक्रोवेव आया है। तो कल धनतेरस है, हम लोग कल भी क्या करेंगे आपको दिखाएंगे, और क्या कहते हैं कि हमारे घर पे पूरा लतर वगैरह लग चुका है, हम आपको दिखा दिए, कल अच्छे से दिखाएंगे। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, खाना पीना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और सबका रखिए। तो गाइज आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।